नमस्कार, आज बीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूनम शेखावत। विशेष में आज की शुरुआत हम करेंगे करौली से, जहाँ अरावली पर्वतमालाओं के मध्य स्थित नादोती तहसील में 5000 साल पुरानी अनमोल धरोहर अब प्रशासन की नेक निगाहों को तरस रही है। एक ऐसा स्थान जहाँ कभी हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की संस्कृति की बयार एक साथ बहा करती थी। इतिहास के पन्नों में राजा मोरध्वज का 5000 साल पुराना किला अब दफन होने लग गया है। इस क्षेत्र में बौद्ध जैन धर्म के साथ ही हिंदू धर्म की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है, लेकिन ये किला आज अपने अतीत और सरकारी उपेक्षा पर आंसू बहा रहा है। आज विशेष में देखेंगे कि क्या है इस किले की कहानी, क्यों ये धरोहर अब सुनसान होती जा रही है। इसी पर पेश है ये विशेष रिपोर्ट। क्या है इस किले का इतिहास जो आज अतीत पर नाश करता है और वर्तमान का उपहास करता हुआ लगता है। दरअसल आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो सच्चाई से दो चार हो पाएंगे। साढ़े 5000 साल पुराना राजा मोरध्वज के नगरी का यह अद्वितीय खजाना, ऐतिहासिक धरोहर आज इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम स्थान लिए हुए है। सरकारी और प्रशासनिक उपेक्षा के चलते इस अनमोल विरासत का, इस किले के दरो दीवार पूरी तरह खंडर हो चुके हैं। पिछले एक सदी के दौरान इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की ना तो सरकार ने कोशिश की, ना प्रशासन ने कोई कारगर कदम उठाए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि यदि शीघ्र ही सरकार ने इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए तो बेहदुन दूर नहीं कि राजा मोरध्वज की यह नगरी इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाए। राजस्थान के डांग इलाके की अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है नादोती, लेकिन नादोती की पहचान एक तहसील से ज्यादा इसके इतिहास को लेकर होती है। इस इलाके में 5500 साल पुरानी पौराणिक और ऐतिहासिक धरोहरें मौजूद हैं, लेकिन आज तक ना तो स्थानीय प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया है और ना ही सरकार ने। ऐसे में इस बेशकीमती इतिहास का कोई भी रहनुमा नहीं मिल रहा है। इस इतिहास को आज भी गोड मोरा के किले के नाम से पहचाना जाता है। इस किले की खासियत यह है कि इसकी ऐतिहासिक संपदा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की संस्कृति को बयां करती है। अगर हुक्मरानों की नजर इस पर पड़ती तो शायद यहाँ का कायापलट हो जाता। किंवदंतियों में शुमार लगभग 5000 साल पुराने पौराणिक काल के धर्म और भक्ति के परिचायक रहे राजा मोरध्वज की कर्म स्थली गोड मोरा को 11वीं शताब्दी में चौहान वंश के राजाओं ने अपनी राजधानी बनाया। इतिहास में उल्लेखित इस बेमिसाल धरोहर की तबाही की जिम्मेदार देश और राज्य की सरकार ने यदि समय रहते इसके संरक्षण के प्रयास किए होते तो आज यह भारत ही नहीं पूरे विश्व के पर्यटकों के लिए जहां आकर्षण का केंद्र होती, वहीं इस खंडरनुमा किले में मौजूद कारीगरी और अन्य काल व धर्मों की शिल्पों के भीतर छिपे ज्ञान को सीखने के लिए इतिहास के छात्रों को भी एक नया विषय मिलता। शताब्दी का ये अनमोल विरासत के रूप में राजा मोरध्वज का किला अपनी बर्बादी और तबाही पर आंसू बहा रहा है। 5000 वर्षों के इतिहास के कोख में छुपे इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए ना तो शासन और ना ही प्रशासन ने कभी कोई कारगर कदम उठाए। राजा मोरध्वज की नगरी के नाम से पौराणिक इतिहास में शामिल इस किले और किले नुमा खंडर की अनमोल विरासत को यदि सरकार ने शीघ्र बचाने के कोई कारगर प्रयास नहीं किए तो बेहद दूर नहीं जब ये राजा मोरध्वज का किला इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह जाएगा। HBC न्यूज के लिए करौली से भगवान मोदी।
तो ये थे गढ़मोरा के किले जो कि तरस रहे हैं अपनी देखभाल के लिए। 5000 साल पुरानी जो विरासत है ये यहाँ पर किसी तरह की यहाँ पर कोई देखभाल नहीं हो पाती है। तो वहीं इस तरह की जो बातें सामने आती है उसे निकल के यही सामने आता है कि राजस्थान जो है किलों की नगरी है, लेकिन अगर बात की जाए कि इतनी पुरानी जो धरोहर है उस पर अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो आगे जाकर इसका क्या हाल होगा। वैसे तो गढ़मोरा में प्रकृति ने अनुपम छटा बिखेरी है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ के हालातों की तो हालात जो है अच्छे बने हुए नहीं है। हुए हैं क्यों यहाँ पर जो प्रशासन है देखभाल नहीं कर रहा, क्यों यहाँ पर सौतेला व्यवहार यहाँ से किया जा रहा है, जाने के लिए हम बात करेंगे हमारे करौली संवाददाता भगवान मोदी से। भगवान, राजस्थान को कहा जाता है कि किलों की नगरी है, हेरिटेज है, लेकिन इस तरह की 5000 साल जो पुरानी विरासत है उसकी देखभाल यहाँ पर नहीं हो पा रही है, क्यों उस तरह का सौतेला व्यवहार राज्य सरकार जो है यहाँ पर कर रही है? जी पूनम, करौली जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर जो गढ़मोरा स्थल है, आज वहां के जो भवन और महल हैं वो तत्कालीन 5500 वर्ष पूर्व की गाथाओं को कहते प्रतीत होते हैं। तत्कालीन राजाओं ने इस नगरी को बसाने में, उसका सौंदर्य करने में शायद कोई कसर नहीं रखी होगी, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखकर सहज ही कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार यदि पूर्व में ही समय रहते इस किले और इन खंडरों को संरक्षित कर देता तो शायद आज हिंदुस्तान की एक अनमोल धरोहर और विरासत होती। पूनम, एक खास बात यह है कि राजस्थान में संभवतः शायद ये पहला एक ऐसा स्थान है जहाँ जैन और हिंदू धर्म के मंदिरों के साथ ही बौद्ध धर्म के लक्षण भी यहाँ स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। तो सहज ही कहा जा सकता है कि तत्कालीन राजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी जुटे हुए थे। इस सब के बावजूद ना तो इतिहास की किसी किताब में इसका उल्लेख है और ना ही जिला प्रशासन को इनकी कोई सुझो और परवाह है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हालात गढ़मोरा में बने हुए हैं उससे यह भी स्पष्ट होता है कि यदि पुरातत्व विभाग जिस पर के नाम पर सरकार, केंद्र राज्य सरकार लाखों रुपए खर्च करती, करोड़ों रुपए प्रति साल खर्च करती है, यदि गढ़मोरा की देखरेख करती तो शायद गढ़मोरा इतिहास के छात्रों के लिए भी एक अनमोल अध्ययन का विषय होता। जी पूनम जी, भगवान आपने कहा कि लाखों करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है हेरिटेज के संरक्षण के लिए, लेकिन 5000 साल पुरानी इस विरासत को जो कि तीन धर्मों का एक अनूठा संगम है कहीं इतिहास में इसका उल्लेख नहीं है, सरकार यहाँ पर कोई संरक्षण यहाँ पर नहीं दे रही है, आखिर क्यों यहाँ पर प्रशासनिक जो अमला है उन्होंने लिखित शिकायत नहीं की इस बात की कि यहाँ पर इस तरह के जो संरक्षण है इसको प्रदान किया जाए? दो तत्कालीन जिला कलेक्टर और एक एसडीओ ने इसको संरक्षित स्मारक घोषित कर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव तो भेजे, लेकिन 11वीं सदी के चौहान वंश के राजाओं की इस अनमोल धरोहर के लिए सरकार ने कभी गंभीर प्रयास नहीं किए। गढ़मोरा क्षेत्र नहीं, पूरे करौली जिले के लोगों का ही मानना है कि गढ़मोरा जैसी अनमोल विरासत को यदि विकसित किया जाए तो हिंदुस्तान के नहीं विदेशों के भी पर्यटक न केवल देखने के लिए अपितु या अध्ययन करने के लिए भी आ सकते हैं। गढ़मोरा की तलहटी में पहाड़ी अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में जो गढ़मोरा बसा हुआ उसके नीचे एक प्राकृतिक सौंदर्य के स्वरूप के रूप में मोरा कुंड, मोरा सागर भी है जब 12 महीने पानी की कलकल अविरल करती धाराएं बहती हैं। आज के जमाने में जब होटलों में लोग स्विमिंग पूल को देखते हैं, पानी की निर्मलता और स्वच्छता देखकर सहज ही कहा जा सकता है कि प्रकृति ने अपनी अनुपम छटा इस धरती पर बिखेरने में कहीं कोई कसर नहीं रखी। जी पूनम जी, भगवान इन तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी अनमोल विरासत है 5000 साल पुरानी। ये क्या इसे यहाँ पर, जैसे कि पहले वहाँ करौली में और भी काफी सारे किले हैं जहाँ पर चोरी छिपे मूर्तियां निकाली गई थी, इस तरह की कोई घटनाएं यहाँ पर होती है ताकि लोगों से इस किले को नुकसान पहुंच रहा हो? जी पूनम, मूर्ति निकालने की स्थिति तो स्पष्ट रूप से तो कहीं सामने नहीं आई, लेकिन इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है कि किले के अंदर जो खंडर है भग्नावशेष हैं किलों के, उसके भीतर जिस तरह की खुदाई हुई है तो मूर्ति नहीं तो धन के लालचियों ने इस धरती को खोदकर धन निकालने में कहीं के प्रयास में कहीं कसर नहीं रखी। दीवारों पर जिस तरह की खुदाई हुई है, दीवारों पर जिस तरह के पुराने चिन्हों को नष्ट करने का प्रयास किया गया है, उससे लगता है कि जो धन जमीन से धन निकालने का सपना देखते हैं, बिना कमाई धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों की काश नहीं है। इस सबके बावजूद भी बात वही एक ही जगह आके रुक जाती है, एक ही जगह आके अटक जाती है कि यदि जिला प्रशासन गंभीरता से
इस जगह को विकसित करने के लिए सोचता तो निश्चित तौर पर यह एक हिंदुस्तान में पुरातत्व विभाग के साथ ही खंडर कलों के लिए एक अनुपम उदाहरण होती। और अभी भी लोगों का मानना है कि वो समय दूर नहीं है जब सरकारें छोटी छोटी चीजों को, छोटे छोटे मुद्दों को लेके संरक्षित रूप में लंबी चौड़ी योजनाएं बनाकर एक आयोग जैसा गठित कर देती है, और सबके बावजूद भी इस 5000 साल पुरानी इस पुरा संपदा के संरक्षण के लिए न तो सरकार ने कोई कदम उठाया है, ना जिला प्रशासन इस मामले में गंभीर है। इस वक्त के बाद एचबीसी टीम ने जब इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके इस मामले को बाहर निकाला और जिला कलेक्टर से इस प्रमाण रखते हुए कहा कि यदि गढ़मोरा को संरक्षित कर दिया जाए, गढ़मोरा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दिया जाए तो सरकारी खजाने में भी प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की आय हो सकती है। तो जिला कलेक्टर ने अपनी परंपरागत शैली से बेपरवाही के रूप में जवाब देते हुए कहा कि हम इसको देखेंगे तो ऐसा लगता है कि सरकार 5000 साल में जिस पूरा संपदा को, जिस अनमोल धरोहर को नहीं देख पाई तो क्या जिला प्रशासन भी इसको इसी तरह टाल देंगे और शायद कोई नया जिला कलेक्टर आएगा उसके लिए भी एक विषय बन जाएगा कि हम देखेंगे। जी पूनम जी बिल्कुल भगवान मोदी धन्यवाद आपका। तो ये थी गढ़मोरा के किले जो 5000 साल से अपने संरक्षण को तरस रहे हैं, लेकिन सरकार को तरस नहीं आ रहा कि इस अनमोल धरासा जो विरासत है उसको संभाल के रखा जाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आई है कि जैन बौद्ध और हिंदू धर्म का अनूठा संगम है मोरध्वज गढ़मोरा का ये जो किला। अच्छा मोरध्वज के समय की ये जो किला है इसका कहीं पर इतिहास के पन्नों में भी कोई दर्ज नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये सामने आती है कि सिर्फ गढ़मोरा ही नहीं बल्कि आसपास की कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर पर्यटन विभाग जो है सौतेला व्यवहार करा है, जहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तो वहीं इस तरह के पर्यटन स्थल को विकसित करने की ना तो जिला प्रशासन में रुचि है और ना ही पर्यटन विभाग में रुचि है। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि करौली में किस तरह से गढ़मोरा का जो किला है विरासत जो है वो संरक्षण के लिए तरस रही है। वैसे तो गढ़मोरा में प्रकृति ने अपनी अनुपम छटा बिखेरी है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से तमाम मूलभूत सुविधाओं का टोटा यहाँ पर साफ नजर आता है, जिससे साफ जाहिर है कि प्रशासन इस पौराणिक नगरी के उत्थान की ओर कभी झांका तक नहीं है। करौली जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर पहाड़ों से गिरे गढ़मोरा गांव में प्रकृति ने भी अपनी छटाओं को निखारने में कोई कंजूसी नहीं बरती है। एक ओर जहां पूरा नादोती क्षेत्र जबरदस्त जल संकट से जूझ रहा है, वहीं नादोती के मध्य में स्थित गढ़मोरा में पेयजल के साथ ही अन्य प्राकृतिक सौंदर्य की कोई कमी नहीं है। बावजूद इसके गढ़मोरा में प्रशासनिक दृष्टि से तमाम मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। धरातल से 200 मीटर ऊंचाई पर दुर्गम पहाड़ों के बीच राजा मोरध्वज और चौहान वंश के राजाओं द्वारा विकसित किए गए गढ़मोरा के इस पौराणिक और ऐतिहासिक नगर के खंडरों को देखकर सहजता से कयास लगाया जा सकता है कि तात्कालीन शासकों ने गढ़मोरा को धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल के रूप में भी तैयार किया था। यही नहीं, यहाँ बने मंदिर, मठ और संतों की कुटियाओं के अलावा महलों के अवशेष भी उन सामंतों की प्रकृति को प्रतिबिंबित करते दिखाई देते हैं। अगर गढ़मोरा किले की बात हो तो भला संस्कृति को कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ हिंदू के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म की झलकियां भी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस विरासत को संरक्षण मिला हुआ नहीं है। करौली समेत आसपास के सैकड़ों किलोमीटर परिक्षेत्र में गढ़मोरा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां 5000 वर्ष पूर्व के बौद्ध धर्म के चिन्ह मौजूद हैं। इस नगर के परकोटे के एक ओर बना प्राचीन बौद्ध स्तूप, आकर्षक कारीगरी युक्त जैन मंदिर तथा हिंदू देवी देवताओं के मंदिर कोणार्क शैली के नजर आते हैं, जो बेहतरीन कलाकृति के पुख्ता प्रमाण है। ये सभी इमारतें जो अब पूरी तरह खंडर में बदल चुकी है। वहीं परकोटे के आसपास बनाए गए आलीशान भवनों को देखकर तात्कालीन शासकों की सोच का पता चलता है, जिन्होंने सुख सुविधाओं के साथ ही सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा था। इसी सरहद में देवी देवताओं की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां भी